ब्रह्मा और सरस्वती कहानी थरे निश्चय देखु पौराणिक गाथा अनुजाई ब्रह्मा होती सृष्टिकर्ता सरस्वती पुराण अनुजाई ब्रह्मा सीधा निज शुक्राणु वीर्ज द्वारा निज सुंदर झी सरस्वती जन्मदाता पिता किसी लेखनी प्रमाण कर ब्रह्मा जितेबले कामातुर उर्वशी रूप को उपभोग कर हस्त मैथुन्य करुले से एक पात्र द्वारा निज शुक्राणु वीर्ज को संग्रह कर से ही ब्रह्मा शुक्राणु वीर्ज पात्र सरस्वती जन्म तेणु सरस्वती माता नहांती बृत्ति जना जाए यह केवल काल्पनिक सरस्वती होती हिंदू धर्म विद्यादेवी जेतेबेले ब्रह्मा निज झीर सौंदर्य देखिले से कामुक होगले कामातुर पिता कवल निजक रक्षा करने को जा सरस्वती चारिदिग को दौड़िले किंतु निज पिता कवल निजक रक्षा करे शेषे सरस्वती निज पिता इच्छा आगे निजक समर्पित कले ब्रह्मा एवं झी सरस्वती अनाचार लिप्त हो शहे वर्ष जाए स्वामी स्त्री भाव संसार कले से गोटे पुओला जहाँ नाम स्वयंभू मनु स्वयंभू मनु निज भौणी सतरूपा सह प्रणय कला ब्रह्मा निज पुत्र एवं पुत्री अनाचार प्रणयर ब्रह्मा दुईटी नाती एवं दुईटी नातुणी जन्म हेले किंतु मत्स्य पुराण अनुसार जितेबले केवल सृष्टि से निजे एका ही थिले एवं ब्रह्मांड नथिला सेतेबले तांकु साथी देवाई से निजकु दुई भागरे विभक्त करी नारी अंग सृष्टि कले एहा पुराण रे जहाँ ब्रह्मा मुखर उभुरिला ताहा संध्या ब्राह्मी व सरस्वती नाम परिचित ब्रह्मा सरस्वती उपरे आकर्षित होई प्रेमरे पड़गले ब्रह्मा लालसा बढ़ी चलिला तेणु से सरस्वती एकाग्रतारे देखि चलिले ब्रह्मा एकलय देखा भंग करने सरस्वती चारिदिग को भ्रमण कले उपरकू उड़गले किंतु ब्रह्मा मुंड न बुले चारिदिग चारोटी मुंड उपर दिगक देखापी उपर मुंड एपरी पांचटी मुंड धारी होगले ब्रह्मा शेषे ब्रह्मांड सृष्टि करने साहय भिक्षा कले सरस्वती ब्रह्मा को निज स्वामी रूप से साहय कर योजना को सफल करने उपदेवता मनु सृष्टि कले जिकि पृथ्वी रचयिता हेले सरस्वती होती आम भाषार जननी एवं हिंदुत्व तथा समस्त वेदर जननी प्रजापति ब्रह्मा निज झियो सरस्वती सह प्रेम एवं प्रणय करी अनाचारर संपर्क लिप्त थिले तेणु शिव एथिरे क्षुब्ध होई त्रिशूल उपरकु थिबा मुंडकु काटी देथिले जहाँकि बर्दीनाथरे थिबा एक पत्थर रूपरे खसी पड़िला एबे एहाकु हिंदू अनुगामी माने ब्रह्मा कपाल नाम पूजा करुछंती जदि कौनसी व्यक्तिर काल्पनिक स्तर वास्तविकता सह मेल न खाए एवं अंधविश्वास वशवर्ती होई अज्ञानतार जननी हुए तेबे एहाकु मानसिक विकृतता कहुजाए अनेक कहानी विभिन्न जातिगत प्रचार उद्देश्य रे समयानुक्रमे बारंबार जालियाती लेखार बा अनुवादर शिकार होइथाए तेणु कौन सी कहानी जहाँ कौन सी जाति धर्म व्यक्ति विशेष इत्यादि को अपेक्षा बा प्रशंसा करी लेखा जाए तेबे निज तर्क बुद्धि बल रे सत्य को काढ़ा चेष्टा करंतु आजपाई एति पुणी देखा हबो किसी सुंदर सुंदर अनुचिंता और कहानी सहित आउ एक भिडियो से पर्यंत विदाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।